जुले और नमस्कार दोस्तों। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो शायद आपने थ्री इडियट्स नहीं देखी होगी। ये हैं सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख अपने प्रदेश के लिए कई दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं। क्या है इनकी मांगे? ये चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें अलॉट किया जाए, साथ ही साथ लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल किया जाए। बाकी सब चीज़ें तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पे मिल जाएगी, लेकिन क्या है ये सिक्स्थ शेड्यूल? सिक्स्थ शेड्यूल जो कि 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया था, देता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे स्टेट्स जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप करने की। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये छोटी सी गवर्नमेंट है जो कि इन सेंसिटिव ट्राइबल एरियाज को गवर्न करने के लिए बनाई जाती है। इनके पास पावर्स होती है टू मेक लॉज इंक्लूडिंग लैंड कल्टीवेशन इनहेरिटेंस फॉरेस्ट एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इसी के साथ साथ ये रेवेन्यूज भी कलेक्ट कर सकते हैं लैंड या फिर अदर टैक्सेस से। अब लद्दाख जो कि प्योरली ट्राइबल एरिया है और यूनियन टेरिटरी बनने से पहले भी उनको ये वादा किया गया था कि हम उनको सिक्स्थ शेड्यूल में रखेंगे, लेकिन वादा खिलाफी देखने के पर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। ये तो वक्त ही बताएगा कि लद्दाख के साथ क्या होगा, बाकी समझना तो सरल था ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।